राजस्थान में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 11 सभाएं कर चुके हैं। बीजेपी ने 41 नामों की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी साल भर से उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है और सितंबर में पहली सूची लाने की घोषणा करने वाली कांग्रेस अब भी तारीखें पे तारीखें बता रही है। खैर, आपको खबर शुरू करने से पहले बता दूं कि आप द फैक्ट इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। उदयपुर चिंतन शिविर से दिल्ली में CWC बैठक तक लगातार कांग्रेस तारीख पर तारीख बता रही है। अब 18 अक्टूबर को पहली सूची की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने और नेताओं ने अपने स्तर पर कई सर्वे कराए हैं, सभी के रिजल्ट अलग अलग आए हैं। नामों पर गहलोत, पायलट और डोटरासरा की अपनी अपनी आपत्तियां है। इसी कारण 80 चेहरों पर फाइनल मंथन हो रहा है, लेकिन सभी चेहरे वही पुराने बताए जा रहे हैं। इनमें न युवा है और न ही महिलाएं हैं, यानी कि फिर इस बार कांग्रेस कल्चर देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों और सूचियों को लेकर क्या क्या वायदे किए थे और क्यों वो अपनी बातों पर खरी उतर पाने में असमर्थ रही है। मई 2022 में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में पार्टी ने संकल्प लिया था कि पार्टी 50% दावेदार पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र में होंगे। फरवरी 2023 को रायपुर में हुए अधिवेशन में महिलाओं की संगठन और चुनाव में 50% भागीदारी का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने पहले सूची जारी करने की बात कही। 29 मई को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर CM गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की सुलह की बैठक हुई, जहां KC वेणुगोपाल ने कहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह में पहली सूची आ जाएगी। जिसके बाद KC वेणुगोपाल जयपुर आते हैं और कहते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पहली सूची आएगी। वहीं इसी महीने अक्टूबर में CWC की मीटिंग हुई, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 18 अक्टूबर को पहली सूची आएगी। अब देखना होता है कि तारीख पर तारीख कांग्रेस की पहली सूची को मिल रही है और आखिरकार कब तक ये जो पहली सूची है वो आती है, देखने को मिलती है। गहलोत, पायलट और डोटासरा में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, यह भी एक सवाल है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।